कोई जिम्मेवारी। इसके साथ आगामी 25 तारीख को राजस्थान के सीकर में होने वाली किसान विजय सम्मान दिवस के उपलक्ष में पृथ्वीराज जी मील, जो हमारे राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनने सबको निमंत्रण भी दिया है और निमंत्रण के साथ साथ प्रदेश से भी लगभग 150 के आसपास साथियों की जिम्मेवारी आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार लगाई गई है, जो सभी साथी सीकर के अंदर जाकर रैली की तैयारियों को राजस्थान के अलग अलग कोने में भी देखने का काम करें। और मैं मानता हूं कि जिस धरा पर चौधरी देवीलाल जी पहली बार सांसद चुनकर इस देश के उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए थे, उस पावन धरा को हम सब मजबूती के साथ एक ऐतिहासिक रैली का स्वरूप भी देंगे और राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाथ भी वहाँ से करने का कार्य करेंगे। जो हमारी दो मुहिमें महिला सखी और बूथ योद्धा की चल रही है, उसके अंदर लगभग 7,200 बूथों पर बूथ योद्धा कार्यक्रम संपन्न हुआ है 19,500 बूथों से। और ये टारगेट लिया गया है कि हम सितंबर के आखिरी तक लगभग इस टारगेट को 50% और उसके बाद इसी चीज़ को अक्टूबर में जब हम पूरे प्रदेश में मेंबरशिप अभियान चलाएंगे 100% अक्टूबर के महीने के एंड तक हम करने का कार्य करें। जनरल मेंबरशिप के लिए भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आदेश दिए हैं कि इस महीने में जनरल मेंबरशिप अभियान को हम प्रिंट कराएं और अक्टूबर महीने में नए सदस्यों को 5 लाख नए सदस्यों का भी और पुराने सदस्यों को रिन्यूअल भी पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। उसके लिए सदस्यता अभियान की गति को बढ़ाने का काम करें। जहां हमारे सोशल मीडिया है, पार्टी के प्रचार प्रसार के कार्य हैं, उसके ऊपर भी डायरेक्शंस दी गई। राजस्थान इलेक्शंस में भी जो जो साथी पहले अलग अलग जगह ड्यूटी पे रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी लगाई है कि वो सभी साथी उसका ब्यौरा पार्टी ऑफिस तक पहुँचाए कि उनको बाद में रैली के उपरांत उन सब की भी ड्यूटियाँ लगा दी जाएगी हमारे कैंडिडेट्स के साथ, जो राजस्थान में फिर विधानसभा की पोलिंग तक उनके साथ कार्य करेंगे। एक प्रस्ताव रामकुमारन काला जी ने भी रखा, जिसके अंदर जो हमारी 17 सितंबर की भिवानी दादरी की रैली है, रामकरण काला जी ने ये मांग करी है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की रैली 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्रा में रखी जाए, शाहबाद की पावन धरा पर। उसको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने अनुमति देने का काम किया है। और एक आदेश डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिए हैं कि पार्टी संगठन के जो सेल्स हैं, उन सभी सेलों का निर्माण और उसमें फर्दर हल्का लेवल तक जो जिम्मेवारियाँ नियुक्तियाँ देनी है, उस सारे प्रोसेस को हम मिलकर इस महीने के आखिरी तक कंप्लीट करने का काम करें। तो निशान सिंह जी ने ये विश्वास दिलाया है कि 30 सितंबर तक हरियाणा प्रदेश के सारे सेलों का निर्माण हम पूरा करें। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से 4.5 सालों के अंदर संगठन के ऊपर एक एक साथी ने काम किया है, उससे हमें मजबूती भी मिली है और मजबूती के साथ साथ संगठन को आगे ले जाने के लिए और आगे कैसे लोकसभा और विधानसभा में काम करना है, सभी साथी उस चीज़ के ऊपर तैयार है और तैयार होकर मजबूती के साथ सभी साथी आने वाले भविष्य में भी काम करेंगे। डायरेक्शंस जैसे जैसे पार्टी के आएंगे, चाहे वो बूथ योद्धा के माध्यम से हर बूथ पर जो हमारे ये रिस्ट बैंड हैं पार्टी के, ये पहुँचाने की बात हो, हर कार्यकर्ता के घर तक झंडा मेंबरशिप ड्राइव पे लगाने की बात हो, साधनों पर झंडियाँ लगाने की बात हो, इन सब चीज़ों को पार्टी साथ के साथ देखने का काम करें। राजस्थान में चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी, गठबंधन? आज के दिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, चर्चा हम NDA में भी इसकी कर चुके हैं, आगे बैठकर निर्णय होगा और उसमें क्या निर्णय होता है उसके बाद की बात है। मगर हमने ये निर्णय जरूर किया है कि 25 से 30 विधानसभाएँ जो हम टारगेट कर चुके हैं चौधरी देवीलाल जी के समय से, हम जिन पे मजबूत रहे हैं, जीते भी हैं, हमारे विधायक भी भारी बहुमत से जीत कराए हैं, उन सब पर पार्टी का फोकस रहेगा। ये जो नए जिले बने हैं,
इसके बाद ये सीटें जो 30 है ये 18 जिलों के अंदर इसका विभाजन हुआ है, तो मैं मानता हूँ ये 18 जिले हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अजय सिंह ने कल ही कहा है कि भिवानी और हिसार लोकसभा पर हम दावेदारी करेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे लोकसभा हरियाणा। अब इसी को लेकर विजेंद्र सिंह आज ये बोले कि 10 सीटों की बात करते थे, अब 2 पर आ गए हैं, मुझे लगता है कि 2 से भी अब ये दावेदारी करना होगी। उनने जो बात भी कहनी है मैं उस पर निर्णय नहीं टिप्पणी नहीं कर सकता। आज पार्टी ने फरीदाबाद भी लोकसभा रैली करी है, आगे कुरुक्षेत्र भी करेंगे, अब भिवानी कर रहे हैं, सोनीपत करी है, हम अपनी तैयारी तो आज भी 10 पे कर रहे हैं। एनडी के अंदर क्या होगा, किस सीट शेयरिंग में समीकरण में होंगे, मुझे लगता है मेरे से बेहतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बता चुके। और उसके अंदर सेक्रीफाइजेज तो पॉलिटिकली बहुत करने पड़ते हैं। आपको याद होगा 99 का जो लोकसभा का चुनाव था उस समय भारतीय जनता पार्टी को किशन सिंह सांगवान जी, चौधरी देवीलाल जी ने इंडियन नेशनल लोकदल से कैंडिडेट भी और वो सिंबल भी बीजेपी का दोनों सोनीपत में देने का काम किया और वो सांसद बने। क्या होता है अलायंस में इस पर आज टिप्पणी करना प्रीमेच्योर। क्या बीजेपी से इस बारे में कोई बात हुई सीटों का अलायंस की? निरंतर कर हम बातें भी करते, चर्चा भी होती। अभी तक कोई सीट शेयरिंग पर तो चर्चा नहीं।